सज गया माता का दरबार, भक्तों की भीड़ अपार। माँ की झलक पाने को आतुर श्रद्धालु, जगजननी करेंगी सबका बेड़ा पार। आज प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि का पहला दिन है। प्रतिपदा पर माँ नौ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं, जो वृषभ पर सवार होती हैं। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। माता शैलपुत्री के पूजन से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और साथ ही इनकी उपासना से चंद्रमा के बुरे प्रभाव भी दूर होते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। पहला मुहूर्त सुबह 6:02 से 10:16 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक। इसके अलावा पहले ही दिन 3 राजयोग भी रहेंगे। आइए अब आपको बताते हैं माता शैलपुत्री की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले मंत्र उच्चारण के साथ माँ का आवाहन करें, फिर पुष्प अक्षत वस्त्र अर्पित करें और कथा पढ़ें। माँ को गाय के घी और गाय के दूध से बने खाद्यों का भोग लगाएं। माँ को कंदमूल फल अत्यंत प्रिय है। इसके बाद माँ शैलपुत्री की दीप और कपूर से आरती करें। आरती पूर्ण होने के बाद अनजाने में हुई संपूर्ण गलतियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और माँ से आशीर्वाद मांगे और मनोकामना पूर्ण होने की कामना करें। चैत्र नवरात्रि में देवी का आगमन अश्व पर हो रहा है, जबकि प्रस्थान हाथी पर होगा। घोड़े पर माता का आगमन शुभ नहीं मानते हैं, इसलिए नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना क्षमा मांगते हुए करें। पूरे दिन विधिवत पूजा करने के बाद माता से क्षमा मांगें, ताकि माता प्रसन्न होकर और मनोवांछित फल प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।